नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि किस रैपिड मूवमेंट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग जा रही है। अमेरिका में हालत ख़राब है, वहाँ आग लगी पड़ी है। टर्की में आग लगी पड़ी है। चाइना में बाढ़ आई हुई है। अपने इंडिया में कई जगह बाढ़ आई हुई है, माउंटेन खिसक रहे हैं। और अब तो IPCC, दोस्तों, ये इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है और ये सबसे बड़ी संस्था है जो क्लाइमेट चेंज को बताती है। इनकी रिपोर्ट्स हर 5 साल, 6 साल, 10 साल में आती है और बिल्कुल सटीक नॉलेज देते हैं ये। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे कवर करा है। और दोस्तों, बात क्यों कर रहा हूँ, ये इंडिया के लिए काफ़ी महत्व देने वाला है। अगर देखो, वैसे तो इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता इसे, लेकिन इंडिया के लिए खतरा है। करीब 12 स्टेट हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के किनारे हैं, मुंबई, कोचिन और बहुत सारे, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स क्या होगा, ये पानी से भर जाएंगे, समुद्र से भर जाएंगे करीब 3 फीट तक, इन्होंने IPCC ने बोला है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते अभी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलेगा, इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताना क्या करना चाहिए।